दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं बयान। दिग्विजय सिंह आधारहीन फिल्मों की तरह सेंसेशनल बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की आदत से मजबूर हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ देश के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म का अपमान करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों से सनातन को बदनाम करना, ये मानसिक आतंकवाद है। दिग्विजय सिंह मानसिक आतंकवाद से पीड़ित, उनके बयानों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। भैया दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं 2 साल से बच्चों के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिली बच्चों। अब दिग्विजय सिंह जी, आपकी न्यूज की खबर बने रहे इसलिए, जैसे बॉलीवुड में और हॉलीवुड में सेंसेशनल मूवीज होती है ना, जिनका आधार कुछ नहीं होता। एक राइटर जिसके दिमाग में केवल गंदगी भरी रहती है, वो एक फिल्म लिख देता है और वो फिल्म बन जाती है और उसके माध्यम से सेंसेशन फैलाने की एक कुकृत्य समाज में होता। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी राजनीति में सेंसेशनल न्यूज़ देकर मीडिया की खबर बनने की आदत से मजबूर हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देना, यही तो आतंकवादी मानसिकता का परिचायक है। अफजल को गुरु कहना, यही तो आपकी आतंक की परिधि में आपके विचार हैं, इसको इंगित करता है। पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बातचीत करना, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म की इज्जत को कम करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से सनातन को पूरी दुनिया में बदनाम करना, दिग्विजय सिंह जी यही मानसिक आतंकवाद है और आप उससे पीड़ित हैं। मुझे लगता है कि सही मायने में दिग्विजय सिंह जी के बयान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पर वो तो कह रहे हैं आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए अगर मेरे यहाँ से कोई रिलेशन है तो। नहीं, रिलेशन है ना, बोल रहे हैं ना। अब वो चैलेंज क्यों कर रहे हैं फिर मीडिया की सुर्खियाँ बनने के लिए बातें कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूँगा, ना अपना समय ख़राब करिए ना दूसरे का समय ख़राब करिए। दिग्विजय सिंह जी पर उम्र का असर है, उनको माफ़ करिए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नज़र, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।